हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि कंटेंट आपके बिजनेस के लिए, आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए क्यों जरूरी है। अगर मैं एक लाइन में इस चीज़ को कहूँ तो वो ये है कि यह मार्केटिंग का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूँ मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है। अगर आप मार्केटिंग को डीपली समझने की कोशिश करें तो मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग होती है कि आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है, उनके दिलो दिमाग में अपनी जगह बनानी है ताकि आपका नाम उनको याद हो और जब भी वो कोई चीज़ आपकी सर्विस और प्रोडक्ट से रिलेटेड खरीदने के लिए जाए तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट का या आपका कंपनी का नाम उसके माइंड में आए। मार्केटिंग केवल यही होती है, बाकी तो कितनी भी डेफिनेशन हो सकती है एक ब्रॉड टर्म में, तो बेसिकली मार्केटिंग यही होती है। तो मार्केटिंग के लिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग के लिए हम ऐड करते हैं, हम रेडियो पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे बहुत जगह ऐड करते हैं, विज्ञापन करते हैं। इसके अलावा हम डेमो देते हैं, कैंप लगाते हैं, सेमिनार्स लगाते हैं और भी बहुत कुछ करती हैं कंपनियां जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब बड़ी कंपनियों की बात आती है तो उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती, तो ये सब चीज़ें वो कर सकती है। लेकिन जब छोटी कंपनी की बात आती है, एक नए स्टार्टअप की बात आती है, तो उनके पास अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो मार्केटिंग पे इतना ज़्यादा खर्चा कैसे करेगी, क्योंकि बड़ा ही वल्नरेबल कंडीशन होती है जब भी हम बिजनेस में आते हैं। तो जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, लोगों तक हमें पहुंचना होता है, तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक चीज़ बचती है, वो बचता है इंटरनेट। इंटरनेट बिल्कुल ही सबसे सस्ता भी कह सकते हैं हम, महंगा भी कह सकते हैं, सबसे आसान भी कह सकते हैं, सबसे मुश्किल भी कह सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। इंटरनेट में भी अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया हम फ्री में भी यूज कर सकते हैं, उसकी पेड ऐड का भी यूज कर सकते हैं। तो जब भी सोशल मीडिया की बात आती है तो बिजनेस ही ज़्यादातर क्या करते हैं, वो करते हैं कि हम जगह जगह वो अपने कंपनी की पोस्ट करते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं हमारी कंपनी ये करती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो आपको ये जुड़ना चाहिए, इस कॉन्टैक्ट इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह के थोड़ा स्पैमिंग मैसेजेज होते हैं, तो वो हम बेसिकली करते हैं जब हम प्रॉपर एक कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं बना के चलते। हो सकता है कि जो आप स्पैमिंग कर रहे हो, आप जगह जगह फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे कमेंट में लिख रहे हो, ग्रुप्स में लिख रहे हो, तो वो आपके लिए काम भी कर रही हो, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मानता मैं। और जहां तक लॉयल कस्टमर की बात होती है तो उससे लॉयल कस्टमर के आने की संभावना कम रहती है। तो अगर आप एक प्रॉपर कंटेंट स्ट्रेटजी लेके चलते हो, तो अगर आप ये सब स्पैमिंग छोड़ के एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटजी लेके चलते हो और जो नॉलेज आपके पास है, जितना आप जानते हो अपनी इंडस्ट्री के बारे में, वो ही आप लोगों से शेयर करना शुरू करते हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, आपका वीडियो फॉर्म में हो सकता है, आपका पॉडकास्ट फॉर्म में हो सकता है, आपका किसी और वे में, इन्फोग्राफिक फॉर्म में हो सकता है, किसी भी वे में, जो भी आपको अच्छा लगता है। आजकल तो आर्ट भी चल रहे हैं, NFL का भी काफ़ी क्रेज आ रहा है, तो अगर आपको ड्राइंग करने का शौक है तो उसके थ्रू मेनली है कि आपको नॉलेज देनी है, अपना मैसेज आपको दूसरों तक पहुंचाना है, पर यही होता है कंटेंट मार्केटिंग का। तो अगर आप एक प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग लेके चलते हो और उसको सही तरह इम्प्लीमेंट करते हो, आप फिर उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जब आप लोगों को नॉलेज देते हो तो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं आपसे, तो एक पूरा नेटवर्क आपका बन जाता है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये आपके बिजनेस के लिए कोई ज़्यादा ग्रोथ ना दे, आपके बिजनेस आपको इन सब चीज़ों से नहीं मिले, लेकिन जो इंडस्ट्री में आपकी रेपुटेशन बननी शुरू हो जाएगी, जो गूगल आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा या दूसरे सोशल नेटवर्क्स आपकी उसी रीच की वजह से आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, जब भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड उन पर कोई सर्च करेगा, तो वो आपको प्रेफरेंस देना शुरू करेगा, क्योंकि जितने भी सोशल नेटवर्क्स होते हैं, गूगल होता है, उनमें ब्रांडिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे आप लोगों तक पहुंचते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट और सर्विस वहां पे प्रमोट होती रहेगी, तो हो सकता है कि आपको अच्छे कस्टमर भी मिलना शुरू हो जाए। अगर आप डॉक्टर को प्रमोट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट, तो डॉक्टर आपकी नॉलेज गेन करे, आपसे कॉन्टैक्ट करे, फिर आपके रिलेशनशिप अच्छे होते जाए तो वो आपके प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दे, तो वहां पे फिर आपको ज़्यादा सेल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा किसी को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने प्रोडक्ट के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपकी जो
रिलेशनशिप आपके बन रहे हैं आपके कंटेंट मार्केटिंग से, जो आप दे रहे हो दूसरों को नॉलेज, जो आप जितना मार्केट में वापस दे रहे हो, गिव बैक दे रहे हो इंडस्ट्री को, उतना ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा इजीली। आपको अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर मिलना शुरू हो जाएंगे, फ्रेंचाइजी दे रहे हो तो फ्रेंचाइजी मिलनी शुरू हो जाएगी, डॉक्टर्स से प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो डॉक्टर्स अगर आपके साथ जुड़ रहे हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को खुश होंगे प्रिस्क्राइब करके, क्योंकि उन्होंने तो किसी ना किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब करना ही है अगर वो आपको जानते, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। अगर हम जिनको जानते हैं, जिनके साथ हमारे साथ हमारे रिलेशनशिप होते हैं, उनसे खरीदना, उनके प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये सब चीज़ें आप कॉन्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी से काफ़ी ईजिली आप हासिल कर सकते हो, तो इसलिए आपके बिजनेस के लिए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि आप किसी की नकल करके या किसी की कॉपी करके वो चीज़ करिए, जो आपको पता है, जितनी आपकी नॉलेज है, जितना आप जानते हो, वहीं से शुरुआत करिए आप, और वो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे। हो सकता है कि आप मेरे को थैंक्स बोलो ये चीज़ आपको बिजनेस के लिए सिखाने के लिए। और अगर आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी में कंटेंट मार्केटिंग को शामिल करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मैं बहुत गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहती है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।